नमस्कार, मैं जहांगीर आलम, आप देख रहे हैं कॉल बी मिरर, हर पल आपके साथ। दोस्तों, इंडियन रिपोर्टर एसोसिएशन जो पूरे देश में फैली हुई है, आप पत्रकार हित में कार्य करती है, और इसके अलावा इंडियन रिपोर्टर एसोसिएशन द्वारा सामाजिक कार्यों में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया जाता है। इसी के तहत इरा ने यह निर्णय लिया है कि साल में कम से कम 10 लोग ऐसे लोगों को सम्मानित किया जाएगा जो विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत है और उनकी कार्य क्षमता से देश को फायदा पहुंच रहा है। इसी निर्णय के तहत भारत रत्न कंपनी कोल इंडिया के चेयरमैन डायरेक्टर पर्सनल और पीआरओ को कोलकाता स्थित मुख्यालय में इंडियन रिपोर्टर एसोसिएशन द्वारा सम्मानित किया गया। इस दौरान कोल इंडिया के पदाधिकारियों ने पत्रकारों की प्रशंसा की और उन्होंने कहा कि एक पत्रकार संगठन इस तरह का कार्य कर रहा है जो काफ़ी सराहनीय है और इससे हम अधिकारियों का भी मनोबल बढ़ेगा। दोस्तों, आपको बता दें कि कोल इंडिया कंपनी देश के संचालन में अहम भूमिका निभाती है और इसके कर्मी काफ़ी कर्मठ अचान जोखिम में डाल करके कोयला निकालते हैं, जिससे देश में बिजली चलती है, देश रोशन होता है और कई कल कारखाने सुचारू रूप से चल रहे हैं। आज इंडियन रिपोर्टर एसोसिएशन की तरफ से ये कार्यक्रम का जो आयोजन किया गया, चेयरमैन साहब ने जो समय दिया, बहुमूल्य समय दिया, उसके लिए धन्यवाद। और चेयरमैन साहब ने जो सोशल एक्टिविटीज CSR के तहत जो है पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण काम किए, उन्हीं चीज़ों को देखते हुए और इनका बहुमुखी जो ऊर्जावान शक्ति है और इसमें जो एक क्षमता है, शालीनता है, उन सारी चीज़ों को देखते हुए आज हम लोग एकत्रित होकर के चेयरमैन साहब को इंडियन रिपोर्टर एसोसिएशन की तरफ से सम्मानित करने के लिए यहाँ पे आए। और हम चाहेंगे कि चेयरमैन साहब इसी तरह अपना प्यार और क्योंकि हम लोग सब छोटे हैं, आशीर्वाद भी बनाए रखें, जिससे जो है आगे का मार्गदर्शन भी हम लोगों को मिलता रहेगा। हमारे कोई भी एम्प्लॉय या कोई बाहर के कोई होते हैं, अगर हम लोग ऑफिस में हैं, मिनट दो मिनट कम से कम टाइम निकाल उसे जरूर मिलता है। और हमने एक चीज भी आधे के साथ यहाँ शुरू किया था, हर बुधवार 1 घंटा एम्प्लॉय के लिए टाइम देंगे, उस टाइम में कोई भी एम्प्लॉय कहीं से आके मिल सकता है। शुरू में लोग आते थे, अब नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते मालूम है? उनको मालूम है कि जब जाएंगे मिलेगा तो फिक्स टाइम में क्यों जाना है, फिर एक दिन मर जाए। इसी का ग्लास पूरा भरा नहीं रहेगा, मरना सबको है। हमारी फिलोसफी है कि भाई जितना वो पानी को और बढ़ा सके तो बढ़ा दे, जो मिल गया उसे खुश रह करके एक दिन चले जाना है। तो हंसते रहिए, हंसाते रहिए। इसी कारण से आज हम लोग चाह रहे हैं कि डीपी साहब के हाथों से जो है सर्टिफिकेट और मेडल दे करके पत्रकारों को भी सम्मानित किया जाए, जिससे कि इनका हौसला बुलंद रहे। इसे भी लिखा हुआ सर। सबसे पहले मैं आनंद बार के कृष्ण प्रसाद पत्रिका के कृष्ण प्रसाद जी हैं, कृष्ण प्रसाद साहब, इधर घुमा दीजिए थोड़ा सा, इस तरफ जाना अच्छा आएगा। ताली बजा दो, ये रहा अमित शर्मा जी। सबसे यंग यही लग रहा है क्योंकि फैशन भी इनके पास है। जी 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 जी। हाँ,
तपन बनर्जी जी। रविकांत नीरज कुमार नीरज कुमार राउत चलिए चलिए सर नीरज कुमार राउत न्यूज बताइए खुर्शीद आलम उर्दू न्यूज 24 के जहांगीर आलम बॉडी बिल्डर वो अपना अखबार निकालते हैं हिंदी अखबार निकालते हैं बंगाल से आसनसोल से सर में बॉडी बिल्डर फोटो लिए सर इधर आ जाइए आप लोग इधर आ जाइए सर एक बड़ा ताजमहल बनवाना है। मैं चाहूंगा कि अपने अली सर को जो इतने बड़े सारे पत्रकार ऑल ओवर इंडिया के उन्हें राज्य में चल रहा है और सबके गार्जियनशिप निभाने वाले अली सर है तो हम लोग सबके तरफ से चाहेंगे कि आप दीजिए सर। थैंक यू सर।